तो अपने पॉइंट्स पर नजर बनाए रखिए और टेस्ट के आखिर में अपने रिजल्ट्स को चेक कीजिए। आप किस महीने में पैदा हुए हैं? ए अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, बी मार्च, जुलाई, नवंबर, सी मई, सितंबर, जनवरी, डी फरवरी, अक्टूबर, जून। ए के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट, बी वालों को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अगर आप सी चुनते हैं तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, डी वालों को मिलेंगे 40 पॉइंट्स। आपका जन्मदिन किस ग्रुप में पड़ता है? ए 1 से 8, बी 9 से 16, सी 17 से 24, डी 25 से 31। अगर आपका जवाब है ए तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, बी वालों के लिए 40 पॉइंट्स, सी पर आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स और डी देता है आपको 30 पॉइंट्स। क्या आपको अपने जन्म का समय मालूम है? ए आधी रात से सुबह 9 बजे के बीच, बी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच, सी शाम 6 बजे से आधी रात तक, डी मुझे नहीं मालूम। रात में पैदा होने वालों को मिलते हैं 40 पॉइंट्स। अगर आप सुबह 9 से शाम 6 के बीच पैदा हुए हैं तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। शाम 6 से आधी रात तक पैदा होने वालों को मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप कब पैदा हुए तो भी आपको दिए जाते हैं 30 पॉइंट्स। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? ए गर्मी और धूप वाला, मुझे भी गर्मी का मौसम बहुत पसंद है। बी बरसात, मुझे छाता लगाकर चलना अच्छा लगता है। सी ठंडा और बर्फीला, एक कप कोको और एक नर्म कंबल, आहा क्या बात है। डी कड़कड़ाहट और बिजली, एक हल्का भूकंप या बवंडर, मुझे तो ये सब बहुत मजेदार लगता है। जिनकी पसंद ए है उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स, बी वालों को मिलते हैं 30 पॉइंट्स, सी के लिए 20 पॉइंट्स और डी आपको देता है 40 पॉइंट्स। बात करते हैं रेनोवेशन की, तो आप अपने कमरे की दीवार के लिए कौन सा पैटर्न चुनेंगे? ए गोलाकार, मुझे निरंतरता का विचार पसंद है। बी वर्गाकार, मुझे चीजों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है। सी कुछ पत्तियां या फूल, मुझे भी अमन का ये तरीका पसंद है। डी रंगों और पैटर्न्स का बेतरतीब मिश्रण। गोलाकार आपको देता है 20 पॉइंट्स, वर्गाकार पर आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। अगर आप पत्तियां चुनते हैं तो आपके स्कोर में जुड़ेंगे 10 पॉइंट्स, चमकीले रंग आपको देंगे 40 पॉइंट्स। अब अपनी नई पेंट की गई दीवार के लिए एक वॉलपेपर चुनिए। ए एक पोस्टर जिस पर एक प्रेरणात्मक कोट लिखा हो। बी मैं खुद कुछ पेंट करूंगा, शायद कोई लैंडस्केप। सी मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगा। डी शायद मैं एक खाली कागज का टुकड़ा लगाऊंगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, ऑप्शन बी आपको देता है 30 पॉइंट्स, ऑप्शन सी चुनने पर आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, ऑप्शन डी आपको देता है 40 पॉइंट्स। मुबारक हो, आपने अभी अभी $1 million जीते हैं। आप सबसे पहले क्या खरीदना चाहेंगे? ए मैं एक घर में निवेश करूंगा या कुछ स्टॉक खरीदूंगा, पैसे मेरे काम आएंगे। बी मैं अपने परिवार और सभी दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदूंगा। सी मैं दुनिया की सैर के लिए जाऊंगा, ये मेरा सपना है। डी मैं अपने सभी पैसे दान में दूंगा, मुझे दूसरों की मदद करने में ज्यादा खुशी मिलती है। सभी निवेशकों को दिए जाते हैं 30 पॉइंट्स, गिफ्ट खरीदने वालों को मिलेंगे 10 पॉइंट्स, अगर आप दुनिया की सैर पर जाते हैं तो आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स और सारा पैसा दान करने वालों को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। एक मशहूर डायरेक्टर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहता है,
आप इसका नाम क्या रखेंगे? ए एक शांत इंसान, बी कुछ भी चलेगा, सी सुनहरे पहलू की ओर देखना, डी तुम मजाक कर रहे हो। अगर आपकी पसंद ए है तो आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स, ऑप्शन बी देता है 20 पॉइंट्स, ऑप्शन सी से मिलेंगे 10 पॉइंट्स और डी आपको देता है 30 पॉइंट्स। जब आपको कोई ऐसा फैसला लेना होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो आप अपने दिलो दिमाग में से किसकी सुनते हैं? ए यकीनन अपने दिमाग की, भावनाएं हमेशा आपको गलत दिशा में ले जाती हैं। बी अपने दिल की, दिल की सुनने से हमेशा मेरा फायदा ही हुआ है। सी दोनों की, हालात पर निर्भर करता है। डी मैं अपनी फैमिली से सलाह लूंगा, वो जानते हैं मेरे लिए क्या बेस्ट है। जो अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं उनके लिए 30 पॉइंट्स, अगर आप दिल की सुनते हैं तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, अगर आप दोनों पर यकीन करते हैं तो आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स, परिवार से डिस्कस करने वालों को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। आप अपने खास दोस्त के साथ अपना पसंदीदा बैंड देखने की प्लानिंग करते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आपके साथ नहीं जा सकता तो आप क्या करेंगे? ए किसी दूसरे इंसान को टिकट बेच देंगे, अगर वो नहीं जाएगा तो आप भी नहीं जाएंगे। बी आप फिर भी जाएंगे, अपने दोस्त के लिए 500 वीडियो लेंगे और उसके लिए कुछ यादगार चीजें लेकर आएंगे। सी अपने दोस्त को बताएंगे कि आप उसके बिना नहीं जाएंगे और चुपके से अकेले चले जाएंगे। डी अपने खास दोस्त के साथ इस बारे में मशवरा करेंगे और किसी और को अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करेंगे, वो समझ जाएगा। ऑप्शन ए आपको देता है 20 पॉइंट्स, बी आपको देगा 10 पॉइंट्स, सी आपको देता है 40 पॉइंट्स और डी वालों को मिलते हैं 30 पॉइंट्स। आपको क्या लगता है लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते होंगे? ए यही कि मैं एक शानदार इंसान और एक वफादार दोस्त हूँ। बी मुझे लगता है वो मेरे लुक्स और करियर से जलते होंगे। सी मैं लोगों से कम घुलता मिलता हूँ तो उन्हें लगता होगा कि मैं थोड़ा घमंडी हूँ। डी वो मेरे बारे में कुछ कहने से डरते हैं, वो जानते हैं कि अगर मुझे पता चला तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। अगर आपकी पसंद ए है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, बी लेकर आया है आपके लिए 30 पॉइंट्स, सी वालों को मिलेंगे 20 पॉइंट्स, डी आपको देता है 40 पॉइंट्स। आपको क्या लगता है लोग आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? ए मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, ये कई जगहों पर मेरी मदद करता है। बी मेरा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना, मैं कभी अपने दोस्तों को मायूस नहीं करता। सी मेरी अच्छी सलाह देने की ताकत, मैं हमेशा जानता हूँ क्या चीज सबसे सही है। डी मेरी कूलनेस, मेरे पास सुनाने के लिए कई अच्छी कहानियां होती हैं। ए वालों को मिलेंगे 20 पॉइंट्स, बी आपको देता है 10 पॉइंट्स, सी आपके स्कोर में जोड़ता है 30 पॉइंट्स, डी पर आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? ए अंधेरा, मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे एक राक्षस है। बी असफलता, मैं अपने कैरियर में सफल होना और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। सी अकेलापन, मैं अपने साथी और दोस्तों के बिना एक दिन भी नहीं बिता सकता। डी सांप, आपको मालूम ही नहीं चलता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अंधेरे से डरने वालों को मिलते हैं 30 पॉइंट्स, अगर आपको असफलता से डर लगता है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, जिन्हें अकेले रहने से डर लगता उन्हें मिलेंगे 10 पॉइंट्स, जिन्हें सबसे ज्यादा सांप से डर लगता है उन्हें मिलते हैं 40 पॉइंट्स। आपको सबसे बुरा काम कौन सा लगता है? ए बर्तन धोना, ये कितना बोरिंग है। बी कपड़ों पर इस्त्री करना, इस काम में कितना वक्त लगता है और फिर भी सारी सिलवटें वहीं की वहीं रहती हैं। सी लॉन की सफाई करना, इससे अच्छा तो मैं इस जगह को सीमेंट से भर दूं।
डी, मैं कोई उबाऊ काम नहीं करता, मैंने लोगों को ये काम करने के लिए भाड़े पर रखा है। ए आपके लिए लेकर आया है 40 पॉइंट्स, बी आपको देता है 10 पॉइंट्स, सी से आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स और डी आपको देता है 20 पॉइंट्स। आपका दिन खराब गया है, इसे थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? ए, अपनी उदासी को हंसी से दूर करने के लिए घर पर पिज्जा खाते हुए मजेदार फिल्में देखना। बी, पार्क में देर तक टहलना, प्रकृति हमेशा आपको राहत पहुंचाती है। सी, जिम, मैं पसीने के साथ अपने दर्द को बहा दूंगा। डी, खरीदारी करना, मेरा मन खरीदारी से ठीक होता है। ऑप्शन ए आपको देता है 10 पॉइंट्स, ऑप्शन बी आपको देता है 40 पॉइंट्स, सी देगा आपको 30 पॉइंट्स और डी से मिलेंगे आपको 20 पॉइंट्स। अब समय है आपके पॉइंट्स को जोड़ने का। अगर आप 150 से 230 पॉइंट्स स्कोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दयालु हैं, आप काफी केयरिंग और दयावान हैं, आप सभी के लिए सहानुभूति रखते हैं और कभी मुस्कुराना बंद नहीं करते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी और आशावाद फैलाते हैं, इसलिए लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। आपका सबसे बड़ा डर ये होता है कि आप कहीं दूसरों को दुखी ना कर दें, इसलिए आप मुखर नहीं हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी खुल के बोलना सही रहता है। अगर आपके पॉइंट्स 240 और 330 के बीच में हैं, तो आप काफी स्मार्ट हैं। आप हर सवाल का जवाब जानते हैं और किसी भी पॉइंट पर अपनी खुद की राय रखते हैं। आपको परेशानियों को सुलझाने में मजा आता है। दूसरे आपकी सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि आप हमेशा एक सही फैसला लेते हैं। आप अपनी भावनाओं को काबू में रखना जानते हैं और आप हमेशा विनम्र रहते हैं। जिन्हें 340 से 420 पॉइंट्स मिले हैं, वो काफी आत्मविश्वासी हैं। आप एम्बिशियस, मेहनती और प्रोडक्टिव हैं। लोग कह सकते हैं कि आप जिद्दी हैं, लेकिन आप अपने लिए गोल सेट करते हैं और उन्हें पा भी लेते हैं, तो ये आपके लिए इतना बुरा भी नहीं है। आप हमेशा बेझिझक बोलते हैं और हमेशा दूसरों को बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, भले ही उन्हें ये सुनने में बुरा ही क्यों ना लगे। लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी राय उनके लिए मायने रखती है। क्या आपको 430 से 510 के बीच में पॉइंट्स मिले हैं? मुबारक हो, आप जिंदा दिल हैं। आप सबसे गुस्सैल इंसान को भी हंसा सकते हैं। आप किसी भी पार्टी की जान होते हैं। आपके प्राकृतिक करिश्मे की वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप हमेशा अच्छे मूड में होते हैं और आप लोगों का मूड भी अच्छा कर देते हैं। आप 100% आशावादी हैं और जिंदगी के सुनहरे पहलू को देखते हैं। अगर आपका फाइनल स्कोर 510 पॉइंट्स या उससे ज्यादा है, तो आप आजाद और आत्मनिर्भर हैं। आप मन से तूफानी हैं, इसलिए आपको सबसे ज्यादा डर बोरियत से लगता है। आप किसी भी एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों की राय की वजह से नहीं मारते। आप हटकर सोचते हैं और अपनी भावनाओं को आर्ट से व्यक्त करते हैं।